हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज मेरा बैंगलोर में फर्स्ट डे है एंड इट्स ऑलरेडी 1:30। तो हमने डिनर नहीं, लंच भी कर लिया है, तो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज बैंगलोर में फर्स्ट डे है एंड मैं अभी यहाँ पे जनवरी में घर गई थी, तो इट्स बिन 6 मंथ्स में यहाँ नहीं थी। तो 6 मंथ्स के मेरे एब्सेंस में घर की हालत बहुत ख़राब हो गई है। जब मैं रूम में आई तो पूरा डस्ट एंड कपड़े ऐसे फ्लोर पे पड़े हैं, लियो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारे रूम में 6-7 पिलोज थे और उनमें से एक भी अच्छा नहीं है, लियो ने सब कुछ कट कर दिया है। मैं दिखाती हूँ, तो इसीलिए फिर हमें बहुत ज़्यादा काम है। आज सुबह हमने रूम थोड़ा सा क्लीन कर लिया, इतना क्लीन किया कि अब हम सो सकते हैं यहाँ पे। कल तो हम हॉल में ही सोए थे और अभी हमने लंच भी कर लिया। लंच करके बर्तन नहीं धोया है, बर्तन जैसे का तैसा पड़ा है। तो अभी मैं थोड़ा सा काम कर लूँ क्योंकि हॉल भी क्लीन करना है। तो हमें 1 हफ्ते लग जाएंगे, जैसे आज रूम क्लीन किया, कल हॉल करेंगे, कल किचन करेंगे, फिर हॉल ऐसे करके क्लीन करेंगे। And these two are playing. So Leo is here. ये बदमाश सारा काम खराब करके अभी यहाँ पे खेल रहा है। के भयो? Say hi. Hi Leo. हमारे बैग्स भी हमने अनपैक नहीं किया है, जैसे लेके आए थे वैसे ही यहाँ पे रखा है। एंड जो रूम क्लीन किया था सुबह, तो इतना ज़्यादा ये निकला है, इसको रात को ले जाके फेंकना है। एंड यहाँ पे बालकनी भी बहुत ख़राब हालत है इसकी, तो कल परसों क्लीन करेगी क्योंकि एक ही दिन में तो नहीं होगा। और बाहर धूप बहुत अच्छी आई है, वेदर बहुत ही अच्छा है, धूप बहुत अच्छी आई है। अभी ये एरिया क्लीन कर लिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट था तो मैंने क्लीन कर लिया। एंड मैं अब यहाँ पे ना शूज़ अरेंज करूँगी क्योंकि शू रखने की जगह पे आप देख सकते हो इतना ज़्यादा मैसी है, इतना ज़्यादा मैसी है। तो मैं ये क्लीन करूँगी। तो सब कुछ सबसे पहले बाहर निकालते हैं। एंड मेरा ये एक शू था, आई गॉट इट 3 ईयर्स बैक। तो मैंने इसको 3 साल पहले अपनी फर्स्ट सैलरी से लिया था। तो मैं जब भी इसको देखती थी मैं सोचती थी कि ये तो मैंने अपने मतलब अपने पैसे से लिए है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट अभी जब मैं 6 मंथ्स बाद आई तो इसका जो पैर है वो नहीं है, मैंने पूरा ढूंढ लिया, अभी तक इसका पैर नहीं मिला। तो लियो ने इसको कट कर दिया होगा एंड कहीं पे क्या कर दिया पता नहीं। तो सिर्फ ये एक है, ये मेरी फेवरेट थी, बट क्या करें अब है नहीं। तो सारा सामान बाहर निकालती हूँ पहले। तो सब कुछ गंदा है, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ निकाल लिया। अब इसको अच्छे से ना है। और जब तक मैंने यहाँ पे पूरा निकाल लिया है शूज एंड यहाँ पे भी अंदर क्लीन कर लिया, तो जब तक मैं क्लीन कर रही हूँ ये दोनों पापा और बेटा दे आर प्लेइंग। वो एक बोल रहे है मेरा लियो, मेरा लियो, हाउ मच यू लव हिम, कालू कालू, हाउ मच यू लव हिम, हाउ मच लियो, कान ठीक कर दो ना, कान ऐसा ही है मेरे लिए। तो ये दोनों यहाँ पे बैठ के चिल कर रहे हैं, मैं करूँ यहाँ पे काम इतना ज्यादा है। तो अभी मैं अरेंज करूंगी, हाँ तो अभी मैं अरेंज करूंगी, तो अभी मैं अरेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला है यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें, दूसरी चीज़ें रखती हूँ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे मसाजर है, कुछ एक्स्ट्रा बल्ब्स है, पॉलिश, ये सब रखती हूँ। एंड नीचे 2 शेल्फ्स जो है वहाँ पे मैं अपने शूज़ रखती हूँ। तो मैं अभी अरेंज कर रही हूँ। एंड ये जो है इसका पैर मिला नहीं, तो अभी के लिए सिर्फ ये रहेगा और ढूंढूंगी इसका, अगर मिले तो अच्छा है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो इट्स डन। और बाहर कचरा इतना ज़्यादा फैल गया है जिसको अब मैं क्लीन करूंगी। और ये फ्लावर जो बहुत गंदा हो गया है इसको भी धोना है, इसको भी वॉश करना है, बहुत ज़्यादा डस्ट आ गया है यहाँ पे। और साथ में इसमें डस्ट देख लो आप, 6 महीने में घर पर नहीं रही और इतना डस्ट है इसमें भी, इसको भी वॉश करना है।
तो हमने शू रैक क्लीन कर लिया है, तो अभी हम किचन जाएंगे। किचन में हमने खाना खा के लंच करके जैसे था वैसा है, हमने कुछ क्लीन नहीं किया है, तो वो थोड़ा सा क्लीन करेंगे। लंच के बाद जैसे लंच किया हम वैसे ही वहां पे चले गए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बर्तन पड़े हैं, बहुत ही ज्यादा मैसी है, तो इसको क्लीन करना है, मतलब हल्का हल्का क्लीन करना है, डीप क्लीन नहीं करना है। कल किचन की डीप क्लीनिंग होगी क्योंकि किचन की हालत ऐसी है, बहुत खराब हालत है, क्योंकि 6 महीने से मैं नहीं थी एंड जिस घर में लड़कियां नहीं होती वहां पे होता नहीं है कुछ अच्छे से क्लीन। एंड हमारे घर पे मेड भी नहीं है, तो कुमार काम करे या किचन क्लीन करे या क्या क्या करे, तो कल डीप क्लीनिंग करूंगी। बस आज ये बर्तन धो के थोड़ा सा साफ करती हूँ। तो इससे पहले आप लोगों में व्लॉग में एक यू नो चिल करती हुई कजिन्स के साथ घूमती हुई या फिर मम्मी की लाडली बेटी वैसे दिखती थी, बट अब मेरा कैरेक्टर थोड़ा चेंज हो गया है। अब मैं दिखूंगी एक मैरिड रिस्पॉन्सिबल वुमेन जो घर को संभालती है, सबकी केयर करती है एंड ऑल दैट। तो अभी मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। तो अब मैं लग गई हूँ किचन के काम पे, तो बहुत ज़्यादा मैसी है तो क्लीन करना है, और मुझे अकेले ही करना है क्योंकि कुमार वो ऑनलाइन क्लास कर रहा है, बिजी है। तो मैं किचन थोड़ा सा क्लीन करके फिर कुछ बर्तन है जो लंच का है तो उसको धो लूँगी, फिर उसके बाद किचन का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी किचन क्लीन हो रहा है मेरा, सभी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐसे अरेंज करके इस पर रख देती हूँ। एंड ये रेड चिल्ली है जो मैं अपने घर से लाई थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। घर पे बहुत सारी चीज़ें मिल नहीं रही, जैसे ये हो गया मसाला की डिब्बा, अब इसका ऊपर का लिड मुझे मिल नहीं रहा है। काम करते करते मैंगो का सीज़न है और ये मैंगो बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक, कल जब लाई थी तो अच्छा था, एक ही दिन में पता नहीं क्या हो गया। तो इसको पानी में सोख करके रखते हैं क्योंकि कहते हैं कि मैंगो को खाने से पहले पानी में सोख करना चाहिए। मैंने बर्तन वॉश कर लिया एंड किचन भी ठीक ठाक थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। तो मेरे पास ये एक रिंग है, दिस इज़ अ सिल्वर रिंग जो मेरे हस्बैंड ने मुझे फर्स्ट टाइम गिफ्ट किया था जब मैं उनकी गर्लफ्रेंड थी। तो ये ना पूरा काला पड़ गया है एंड आज मुझे मिला, मतलब बहुत टाइम बाद मिला, मैंने कहीं पे रख के भूल गई थी तो आज मुझे मिला। तो मैं इसको ना अभी क्लीन करने वाली हूँ। तो मैंने कहीं 5 मिनट्स ये हैक में देखा था कि गोल्ड एंड सिल्वर को ना ऐसे कोलगेट लगा के क्लीन करते तो अच्छे से क्लीन होता, बट मेरे पास वाइट वाला कोलगेट नहीं, ये मैक्स फ्रेश जेल है, तो इसी से क्लीन करूँगी मैं। तो ये इतने अच्छे से तो क्लीन नहीं हुआ बट हो गया थोड़ा थोड़ा क्लीन, तो मैं इसको वेयर कर सकती हूँ। तो अभी मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है, ये हो गया है क्लीन एंड अभी मेरा सारा काम खत्म हो गया है। काम खत्म तो नहीं हुआ, काम तो बहुत है, 1-2 हफ्ते लगेंगे पूरे घर क्लीन करने में, बट आज के लिए खत्म हो गया है। तो अभी नहाने जाऊंगी, तो नहाने जाते टाइम मुझे पता चला कि गीजर खराब हो गया है हमारा, गीजर काम नहीं कर रहा है। तो कल मैंने सोचा कि मैं तिल की चटनी की एक रेसिपी सीख के आई थी मेरी मासी से, तो मैं वो बनाऊंगी एंड सबको ट्राई कराऊंगी। तो मैं तिल ऐसे, मैंने तिल रोस्ट किया और जब मैं तिल को ग्राइंड करने के लिए गई तो पता चला कि मिक्सर ग्राइंडर भी खराब हो गई। तो 2 दिन में पता चला मिक्सर ग्राइंडर खराब है, गीजर खराब है, अब कितने दिन में क्या क्या पता चलेगा क्या क्या खराब है, और भी बहुत कुछ चीज़ें खराब हो गई होंगी। तो नहाने जाने से पहले मैं ये क्लीन करती हूँ नेल पेंट, क्योंकि बहुत ही गंदा लग रहा है ये, तो नेल पेंट क्लीन करके मैं नेल कट भी करूँगी एंड उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो नहा के आके मिलती हूँ, ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा क्योंकि गीजर खराब है। सो फ्रेंड्स इट्स 3:40 एंड मैं अभी नहा के आ गई, मैंने सिर्फ बॉडी वॉश किया, हेड वॉश नहीं किया क्योंकि गीजर खराब है तो गर्म पानी नहीं है एंड मैं कभी भी ठंडे पानी से हेड वॉश नहीं करती। ये मुझे ब्रेन टी भी होने से पहले से ही मेरी आदत है क्योंकि बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, मुझे बहुत जल्दी ये सर्दी जुकाम ये सब लग जाता था। तो मम्मी ने बचपन से ही मुझे हमेशा ही गर्म पानी से ही नहलाती थी, गर्म पानी ही पिलाती थी, तो ये एक आदत हो गई है। मैं जब ठंडे पानी से हेड वॉश करती हूँ तो मुझे सर में दर्द होता है, और अगर मैंने आज ठंडे पानी से हेड वॉश कर लिया तो कल से मुझे फिर से कोल्ड फ्लू स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने ठंडे पानी से ही बॉडी वॉश कर लिया बट हेड वॉश नहीं किया। तो अभी मैंने जो मैंगो भिगाए थे उसको कट कर लेती हूँ। तो कुमार ने ऑलरेडी यहाँ पे कट करके रख दी है मेरे लिए मैंगोज एंड उसको भी देते हैं।
तो उसको नहीं चाहिए क्योंकि उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है मैंगोज। एंड कल जब हमने ये मैंगोज खाए तो ये थोड़ा सावर था इसका टेस्ट, तो नहीं खाना उसको। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जो साइड टेबल था वो खराब हो गया है, टूट गया है, इसीलिए साइड टेबल नहीं है, तो कुछ भी प्लेट्स या फिर कुछ रखने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये चेयर को जो वहाँ पे लगा था उसको मैंने यहाँ पे कर लिया रखने के लिए। सो दिस इज हाउ आई प्रेफर ईटिंग मैंगोज, क्योंकि जब मैं ऐसे खाती हूँ तो पूरा मैसी हो जाता है। ज़्यादा स्वीट नहीं है, थोड़ा सा सावर है इसका टेस्ट। एंड मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट, लाइक जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें से मैंगो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंगो का सीज़न है, अब तो मैंगो डेली खाना होगा। बट ये थोड़ा सा खट्टा खट्टा है, इतना ज़्यादा स्वीट नहीं है, तो मैंगो खा के मिलती हूँ। और मैं ये नहीं कर पाई ना आने से पहले, क्योंकि जो रिमूवर था वो मुझे मिला ही नहीं। मैंने पैकिंग तो की थी बट मुझे मिला ही नहीं, तो जब हम सारी चीज़ें अनपैक करेंगे तब उसको मैं ढूंढ के ये रिमूव कर लूँगी। सो जितना मैंगो मैंने कट किया था वो मैंने सारा खा लिया, कुमार ने नहीं खाया। तो कल मैं 1 kg मैंगो लेके आई थी तो उसमें सिर्फ 2 मैंगोज आए थे, कल 1 खाए थे, तो 1 आज, मतलब 1/2 kg मैंगो मैंने खुद ने अकेले से खा लिया, कुमार ने नहीं खाया। और अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद में जो मैं अभी नहा के आई हूँ तो उसके कपड़े मैंने भिगोए हैं, वो कपड़े धोने हैं। और थोड़ी देर में फ़ोन देखूंगी एंड मुझे इससे पहले वाली वीडियो का भी टाइटल थंबनेल ये सब करना है, तो वो काम करूंगी। सो थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैंने टाइटल भी नहीं बनाया, थंबनेल भी नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, मैं बस ऐसे ही बैठी रही। एंड अभी मैं कपड़े धोने जाने ही वाली थी कि मुझे इंस्टाग्राम पे एक इतना लंबा मैसेज आया है, तो मैं पहले ये पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी मैसेज आता है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। तो यहाँ पे एक पेशेंट है, उनकी बहन जो 6 months से ब्रेन टीबी है, हाइड्रोसेफेलस है, तो उनको सर्जरी के बाद में उनका होश नहीं है, बात नहीं कर रही है, यही सब लिखा है जो मेरी कंडीशन थी सेम टू सेम। तो वो बोल रहे हैं कि कैन यू हेल्प मी विद योर सजेशंस फॉर एनी स्पेशल डॉक्टर हॉस्पिटल यू वर ट्रीटेड। तो मैं डॉक्टर और हॉस्पिटल का ना मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि जिस हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट कराया वहाँ पे मेरे लिए अच्छा हुआ, बट मैं जब रिव्यूज़ देखती हूँ तो बहुत लोगों ने ख़राब रिव्यूज़ भी दिए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं वो हॉस्पिटल किसी को रेकमेंड करूँ एंड वो जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट कराए, फिर उनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस ना हो तो उनको लगेगा कि मैंने हॉस्पिटल का नाम दिया, मैंने रेकमेंड किया ये सब, तो थोड़ा सा ये रहता है। फिर भी मैं उनको बता दूंगी जिस जिस हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट कराया है, बाकी वो देख लेंगे। तो अभी मैं उनका रिप्लाई करती हूँ, फिर उसके बाद में मैं कपड़े धोने जाती हूँ। तो मैं कपड़े धो के आ गई हूँ, अब इसको सुखाती हूँ। छत पे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं मैंने, एंड अभी भी धूप है, तेज़ धूप है, अभी 4 बज रहे हैं। एंड जब 6 महीने पहले मैं गई थी तो ये यूकेलिप्टस के छोटे छोटे जो ट्रीज़ दिख रहे हैं ये कुछ भी नहीं थे, सब कुछ कट किया हुआ था, बट अभी बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। एंड यहाँ नीचे ना आप लोग पिग देख सकते हैं, बहुत सारे पिग्स हैं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग रात को आके यहाँ पे कचरा फेंक देते हैं, तो पिग्स भी आ जाते हैं यहाँ पे हमारे घर के पीछे वाले साइड में, क्योंकि पीछे वाले साइड में ऐसा एरिया है। एंड ये हमारे घर के आगे वाला साइड है। या सो समवन वाज आस्किंग इन माय कमेंट सेक्शन कि जब आप हस्बैंड आपके जो आपके हस्बैंड है वो वॉक पे जाते हैं तो आप घर पे अकेले होंगे, उस टाइम आपको कुछ हो गया तो क्या कर, मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन। तो मेरे हस्बैंड जो है अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, वो म्यूज़िक टीचर है, तो अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। एंड अभी तो कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है तब से वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, अभी भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। कभी कभी बाहर जाते हैं दिन में 1 घंटे 2 घंटे के लिए, दैट्स इट, तो वो हमेशा घर पे ही रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं घर पे से हूँ। एंड अगर कभी भी वो घर से बाहर जाते भी है तो मेरी एक नेबर है, मैं उनको पार्टी बोलती हूँ, क्योंकि तमिल में ग्रैंडमा को पार्टी बोलते हैं, तो वो पार्टी है, वो उनके साथ मैं रहती हूँ, मतलब वो नीचे है मैं ऊपर हूँ, तो हम यहाँ से बातें होती रहती है। तो अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम भी होती है मैं उनको बुला सकती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ,
तो यही बोलना था, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है, मैं रह सकती हूँ अभी, तो आई एम मच 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 बेटर। आज भी कुमार बोल रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा काम मत करो, हम मेड रख लेते हैं। तो अभी हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट के टाइम पे लोन लिया था, तो हमें एवरी मंथ लोन भी पे करना होता है, ऊपर से मेड का खर्चा क्यों लेना। इतना घर में खाना बनाना, घर साफ करना तो मैं कर ही सकती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट वर्किंग। अगर मैं बाहर काम करने भी नहीं जा रही हूँ, अगर घर पे रह के भी मैं कुछ करूँगी नहीं, तो मैं तो बहुत यूजलेस हो जाऊँगी ना, कि कुछ करूँगी ही नहीं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं घर का काम मैनेज कर सकती हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि वो हेल्प नहीं करता, डिनर बनाते टाइम वो हेल्प करता है, अगर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो वो रोटी बेल देता है, हेल्प करता है, तो हो जाता है, यही है। एंड अभी 4 बज रहे हैं एंड मैंने कपड़े भी धो के सुखा लिए, अब तो कुछ काम है नहीं, तो अभी मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर बाद में। सो फ्रेंड्स, अभी 15 मिनट्स हो गया है, व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, सो इट्स 5 o'clock एंड आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इसी का कंटिन्यूएशन आपको दूसरे व्लॉग में देखने को मिलेगा डे आफ्टर टुमारो, तो यहीं से व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि आज मैं रात तक व्लॉग करने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में इसी व्लॉग का कंटिन्यूएशन नेक्स्ट व्लॉग में होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू लाइक माई व्लॉग्स, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।